जय श्री राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी केपी की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो राशिफल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को केपी की वाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रोज़ाना राशिफल की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं आपको मिथुन राशि वालों का साल 2020 कैसा रहने वाला है इस बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं। स्वास्थ्य वर्ष के प्रारंभ में राहु आपके तनु भाव में है तथा शनि महाराज की इस प्रकार दृष्टि होने के कारण आपके मन में अशांति का वातावरण रह सकता है। शनि एवं राहु दोनों ही शत्रु होने के कारण अधिक मानसिक अशांति रह सकती है। 14 मई से 14 जून के समय में यदि यात्रा करें तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नियमित एवं संतुलित आहार लेते रहने से स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। आर्थिक स्थिति वर्ष के प्रारंभ में अपने भाग्य बल के द्वारा आर्थिक आय में वृद्धि कर पाएंगे। 8 फरवरी से 22 मार्च तक मंगल महाराज तथा गुरु महाराज दोनों साथ में धनु राशि में होने के कारण उत्साह एवं आनंद में वृद्धि होगी तथा कार्य में मन लगेगा। अनेक प्रकार के आभूषण एवं रत्नों की प्राप्ति होगी। यदि आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो वर्ष के पूर्वांत में जो निवेश आप करेंगे उत्तरांत में आपको उसके अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। भौतिक सुख में वृद्धि होगी तथा आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति होगी। रोजगार एवं कारोबार शासकीय विभाग, सेवा विभाग, प्रशासनिक कार्य अथवा व्यापार उद्योग संस्थान में आशंकित सफलता मिल सकती है। खनिज भूस्पता विद्युत विभाग, पुलिस आरक्षण विभाग, चिकित्सा एवं कृषि कार्यों में पूर्ण लाभ हो सकता है। नवीन कार्य लाभप्रद होंगे। निजी व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत जातकों को योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी कर रहे जातकों का ट्रांसफर हो सकता है। अपनी आय एवं व्यय का संतुलन बनाकर आगे बढ़ें। पारिवारिक संबंध यह वर्ष आपके लिए शांतिदायक वातावरण का निर्माण करेगा। जिन लोगों की संतान विवाहित हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। बेरोजगार जातकों की इच्छा पूर्ति जनवरी के उपरांत हो सकती है, किंतु पुरुषार्थ करना आवश्यक होगा। माता पिता सास ससुर के साथ आपके संबंधों में भी परिवर्तन हो सकता है। दाम्पत्य जीवन इस वर्ष में आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। छोटे मोटे मधुर वाद विवाद होते रहेंगे, किंतु वह मात्र प्रेममयी ही होंगे। यदि प्रणय जीवन या प्रेम प्रसंग के संदर्भ में कहें तो इस वर्ष अनेक स्त्रियों का आपकी ओर झुकाव रहेगा, किंतु आपको सावधानी अवश्य रखनी होगी। अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। आपके दाम्पत्य जीवन में वर्ष भर स्नेह बना रहेगा। स्त्री जातक फल स्त्री वर्ग के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से दुर्बल कहा जा सकता है। पुराने रोगों से समस्या होगी। जो दाम्पत्य संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं इस वर्ष में उनकी इच्छा पूर्ति होती नजर आ रही है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी से छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक शांति बनाए रखें। राजयोग यदि आप राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस वर्ष संघर्ष एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके साथ कार्य करने वाले सदस्य ही आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में विस्तार होगा। दूर हुए लोगों का पुनः आपके जीवन में प्रवेश होगा। शांति बनाए रखें तथा राजकीय विचारधारा से काम लें। शांति एवं धैर्य से कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। शिक्षा यदि आप परिश्रम करें बिना किसी अन्य पर विश्वास रखकर परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो असफलता ही प्राप्त होगी। जो जातक दूर संचार, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान आदि क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं उन्हें अपार सफलता मिलने की संभावना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एवं वकालत के क्षेत्रों में छात्रों को सफलता प्राप्ति में सरलता होगी। 10वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों को टीवी एवं मोबाइल का उपयोग कम ही करना होगा। आत्मविश्वास एवं योग्य परिश्रम करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आप सभी भक्तों पर बनी रहे और आप सपरिवार स्वस्थ और सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।